से गुजारिश है कि एलिकुन अदब और एक्ट अदब एक्स्ट्रास में जितने भी मशहूर तारीखी नावल्स और फिक्शनल नावल्स कंप्लीट हो चुके हैं उसका मुतालिया हमारे प्ले लिस्ट सेक्शन में करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और हमसे रहा करने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें जजाकल्लाउीन शुजात और बेखौफ़ी के इन मुजाहरों में और मुकाबलों में जज्ब होकर रह गया था उसे ऐसी ही बहादुर फौज की ज़रूरत थी उसने अली बिन सुफियान के कान में कहा अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलेबियों को घुटनों बिठा सकता हूँ अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वह पहले भी दे चुका था उसने कहा कि अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा मगर सलाउदीना यूबी नाजी जैसे जहीन और तजुर्बेकार सालार को सबकदोश करने की बजाय सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था वो इस जश्न में अपनी आंखों यही देखने आया था कि ये फौज किरदार के लिहाज से कैसी है इसे नाजी की इस दरख्वास्त से ही मायूसी हो गई थी कि इसके सिपाही और कमांडर शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा सलाउद्दीन अयूबी ने इसकी दरख्वास्त इस वजह से मंजूर की थी कि वो यह देखना चाहता था कि यह लश्कर किस हद तक ऐश इशरत में डूबा हुआ है बहादुरी शह सवारी और तेगज़नी वगैरह के मुज़ाहरों और मुकाबलों में तो ये फ़ौज अस्करी और जंगी मीयार पर पूरी उतरती थी मगर खाने का वक्त आया तो ये फ़ौज बदतमीज़ियों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हजूम बन गई खाने का इंतजाम अरीज मैदान में किया गया था एक तरफ फौज के कमो बेश दो तो हज़ार आदमियों के लिए खाना चुना गया था और उनसे ज़रा दूर सलाउद्दीन अय्यूबी और दीगर बड़े मेहमानों के खाने का इंतज़ाम था सैकड़ों सालिम दुम्बे और बकरे ऊंटों के सालिम रानी और हजारों मुर् रोस्ट किए गए थे दीगर लवाजिमत का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मुश्किलें और सुराहियां रख दी गई थीं। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े घटा शराब चढ़ाने लगे और मोरिका आराई होने लगी सलाउद्दीन अयूबी ये मंजर देख रहा था और खामोश था उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो ये जाहिर करता कि वो क्या सोच रहा है उसने नाजी से सिर्फ इतना पूछा पचास हजार फौज में से आपने ये सिपाही दावत के लिए किस तरह मंतख किए थे क्या ये आपके बदतरीन सिपाही हैं नहीं अमीर मिस्र नाजी ने ग़ुलामाना लहजे में जवाब दिया ये दो हजार अस्करी मेरे बेहतरीन आदमी हैं आपने इनके मुजाहरे देखे हैं लेकिन इनकी बहादुरी नहीं देखी मैदान जंग में ये जिस चाँबाज़ी का मुजाहरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगा आप इनकी बदतमीजी को ना देखें ये आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे मैं इन्हें कभी कभी खुली छूट दे दिया करता हूं ताकि मरने से पहले दुनिया रंगोबू से पूरा पूरा लुत्फ उठा लें सलाउद्दीन अयूबी ने इस इस्तलाल के जवाब में कुछ भी ना कहा नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सूफियान से कहा मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया है ये सूडानी अस्करी शराब और हंगामा आरई के आदि हैं तुम कहते हो कि इनमें जज्बा नहीं मैं देख रहा हूँ कि इनमें किरदार भी नहीं इस फौज को अगर तुम मैदानी जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेगी और माल गनीमत लूटेगी और मफतू की औरतों के साथ वह शियाना सलूक करेगी इसका इलाज यह है अली बिन सुफियान ने कहा कि आपने मुख्तलिफ खत्ों से जो फौज तैयार की है उन्हें नाजी के इस पचास हजार सूडानी लश्कर में मदगम कर दिया जाए बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं सलाउद्दीन अयूबी मुस्कुराया और अली से कहा तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें बताना नहीं चाहता था किसी से इसका जिक्र न करना अली बिन सुफियान में यही वस्त था कि दूसरों के दिलों के रास जान लेता था और गैर मामूली तौर पर जहीन था वो कुछ कहने और कहने ही लगा था कि उनके सामने कई और मशाले रोशन हो गईं। ज़मीन पर बेश़क़ीमत क़ालीन बिछे हुए थे शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा और पुरसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई बीस लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थीं जिसमें उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था हर एक का लिबासायत बारीक जो शानों से टखनों तक लांबा था उनके बाल खुले हुए थे और इसी रेशम का हिस्सा नज़र आते थे जिसका उन्होंने लिबास पहन रखा था सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से ये ढीला ढाला लिबास हिलता था तो यूँ लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियाँ फजा में तैर रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरी से मुख्तलिफ थी लेकिन हुस्न और जिस्म की लचक में सब एक जैसी थी उनके मरमरी बाजू उ थे वो चलती आ रही थी लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे वो हवा की लहरों की मानंद आ रही थी वो नीम दायरे में होकर रुक गई सलाउद्दीन अयूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए झुकी साजिंदों ने इन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलस्म पैदा कर दिया दो सियाफाम देव है कल जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खाले थी एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते नजर आए और टोकरा लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया साज सपेरों की बीन की धुन बजाने लगे हफ्शी मस्त सांडों की तरह फुकारते गायब हो गए टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो यह लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी इसकी मुस्कुराहट भी अर्जी नहीं थी इसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक से नहीं मिलती थी और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तवाशाइयों को मशहूर कर लिया अली बिन सुफियान ने सलाउद्दीन अयूबी की तरफ़ देखा उसके होटों पर मुस्कुराहट थी सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर उनकी कान में कहा मुझे तो नहीं थी कि यह इतनी खूबसूरत होगी नाजी ने सलाउद्दीन अयूबी के पास आकर कहा अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो इस लड़की का नाम जकोई है इसे मैंने आपकी खातिर से कंदरिया से बुलाया है यह पेशावर रखासा नहीं और यह इसमत फरोज भी नहीं रख से इसे प्यार है शौकिया नाश्ती है किसी महफिल में नहीं जाती मैं इसके बाप को जानता हूँ साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है यह लड़की आपकी अकीदतमंद है आपको पैगंबर मानती है मैं इत्तेफ़ाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इसत दुआ की कि सुना है सलाउद्दीन अयूबी अमीर मिस्र बन के आए हैं ख़ुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो मेरे पास अपनी जान और रक़स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सद एहतम अमीर मैंने आपसे रकस व सुरू की इजाज़त इसीलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हजूर पेश करना चाहता था आपने इसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और ओरियानी की हालत में नहीं देख सकता सलाउद्दीन एयूबी ने कहा यह लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं आली मकाम नाजी ने खिसियाना होकर जवाब दिया मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं लेकिन यह कहती थी कि वो मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुना नहीं यह एक बास्मत लड़की का रक्स होगा मैं अयूबी के हजूर अपना जिसम नहीं अपना फ़न पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अयूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती आप कहना क्या चाहते हैं सलाउद्दीन अयूबी ने पूछा मैं उस लड़की को अपने पास बुलाकर उसे खराज तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिसम को हज़ारों मर्दों के सामने और करके बहुत अच्छा नाश्ती हो उसे इस पर शाबाश कहूं कि उसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है नहीं अमीर मिस्र नाजी ने कहा मैं उसे इस वादे पर यहां लाया हूं कि आप उसे शर्फ बार या भी बख्शेंगे ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है जरा देखिए इसे इसके रक्स में पेशा तासुर नहीं खुदसुपुरदगी है देखिए आपको कैसी नज़रों से देख रही है बेशक इबादत सिर्फ़ अल्लाह की की जाती है लेकिन ये रकस की अदाओं से अकीदत से मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है आप इसे अपने कैमे में आने की इजाज़त दे दें थोड़ी सी देर के लिए इसे मुस्तबिल की वो माँ समझें जिसकी कोक से इस्लाम की पासबानी के लिए जाँबाज़ जन्म लेंगे ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताएगी कि मैंने सलाउद्दीन अयूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ हासिल किया था नाजी ने नहायत पुरसरार अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाउद्दीन अयूबी से मनवा लिया कि यह लड़की जिसे उसने एक बुरदा फरोश से ख़रीदा था शरीफ बाप की बासमत बेटी है उसने सलाउद्दीन अयूबी से कहलवा लिया कि अच्छा इसे मेरे खैमे में भेज देना जकोई निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाउद्दीन अयूबी की तरफ़ देख कर मुस्कुराती थी बाकी लड़कियां इसके गिर तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था मशालों की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जल परियाँ तैर रही हूं चांदनी का अपना एक तासुर था सलाउद्दीन एयूबी के मुतल कोई नहीं बता सकता के वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बपा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे जमीन और आसमान पर वजदारी था नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी निस्फ शब के बाद सलाउद्दीन अयूबी उस खुशनुमा कैमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था अंदर उसने क़ालीन बिछा दिए थे पलंग पर चीते की खाल की मानिन पलंग पोश था फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहरा की शफाफ चांदनी की मानिन थी और अंदर की फ़जा अतर बीस थी कैमे के अंदर रेशमी पर्दे आविजा थे नाजी सलाउद्दीन एयूबी के साथ कैमे में गया और पूछा उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं। मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ भेज दो सलाउद्दीन अयूबी ने कहा और नाजी हरन की तरह चौकड़ियाँ भरता खैमे से निकल गया थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाउद्दीन अयूबी के, के मुहाफिज़ों ने एक रखा सा को इस खैमे की तरफ आते देखा खैमे के हर तरफ मशल रोशन थी रोशनी का यह इंतज़ाम अली बिन सूफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफ़ गर्दोपेश को अच्छी तरह से देख सकें रखा सा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया उन्होंने उसे रक्स में देखा था ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी वो ज़कोई थी वो रक्स के लिबास में थी ये लिबास तोबा शिकन था इसमें वो उरियां थी मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया जकोई ने उसे बताया उसे अमीर मिस्र सलाउद्दीन अयूबी ने बुलाया है कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फ्वाशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हों आप उनसे पूछ लें जकोई ने कहा मैं बिन बुलाए आने की ज़रूरत नहीं कर सकती उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था कमांडर ने पूछा सलाार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं जकोई ने कहा आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी खवाबगा में एक रखासा को बुलाया है वो अयूबी के किरदार से वाकिब था उसके इस हुक्म से भी वाकिब था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक़ रखने वाले को एक सौ दुर्रे लगाए जाएंगे कमांडर शशोपंज में पड़ गया सोच सोच कर उसने जुरत की और सलाउद्दीन अयूबी के, के खैमे में चला गया अयूबी अंदर टहल रहा था कमांडर ने डरते डरते कहा बाहर एक रकासा खड़ी है कहती है हुजूर ने उसे बुलाया है सलाउद्दीन अयूबी ने कहा उसे अंदर भेज दो कमांडर बाहर निकला और जकोई को अंदर भेज दिया मुहाफिजों को तोक़़ो थी कि उनका अमीर और सालार आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा वो सब उसकी गरजदार आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो गए मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज़ न सुनाई दी रात गुजरती जा रही थी अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा एक मुहाफिज ने उससे कहा क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है हाँ उसने जवाब दिया हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाय के लिए होते हैं अमीरे मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता कमांडर ने जल कर कहा सलाउद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया है हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया जाता है उनकी निगाहों में सलाउद्दीन अयूबी का जो बुद्ध था वो टूट फूट गया उस भूत में से एक अरबी शहज़ादा निकला जो अयाश और बदकार था पारसाई के पर्दे में गुनाह का मरतकब हो रहा था नाजी बहुत खुश था सलाउद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूँगी भी नहीं थी वो अपने ख़ैमे में बैठा मसर्रत से झूम रहा था उसके सामने उसका नायब सालार अदरूश बैठा था उसने नाजी से कहा उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है मालूम होता है कि हमारा तीर सलाउद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है मेरा तीर खता कर गया था नाजी ने कह लगाकर लगा कर कहा अगर यह तीर खता हो जाता तो फौरन यहीं लौट के हमारे पास आ जाता तुम ठीक कहते हो अद्रूश ने कहा जकोई इंसान के रूप में तिलस्म है मालूम होता है यह लड़की हशिशैन के साथ रही है वरना सलाउद्दीन एयूबी जैसा बुद्ध कभी ना तोड़ सकती मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशिशीन के कभी वहम गुमान में भी ना आए होंगे नाजी ने कहा अब सलाउद्दीन के हलक से शराब उतारनी रह गई है नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी वो दौड़कर बाहर गया वो जकोई नहीं थी कोई सिपाही जा रहा था नाजी ने दूर से सलाउद्दीन अयूबी के खैमे की तरफ देखा पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे उसने अंदर जाकर अदरूश से कहा अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी जकोई ने बुत तोड़ डाला है रात का आखिरी पहर था जब जकोई सलाउद्दीन अयूबी के खेमे से निकली नाजी के खैमे में जाने के बजाय वो दूसरी तरफ चली गई रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिसम सर से पाँव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था उसने धीमी सी आवाज़ में जकोई को पुकारा वो उस आदमी के पास चली गई वो आदमी उसे एक कैमे में ले गया बहुत देर बाद इस खैमे से निकली और नाजी के खैमे का रुख कर लिया नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकल कर सलाउद्दीन एयूबी के कैमे को देख चुका था कि जकोई ने सलाउद्दीन एूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की जहनीत की पस्तियों में ले आई है अधरूश उसने कहा रात तो गुजर गई है वो अभी तक नहीं आई वो अब आएगी भी नहीं अधरूश ने कहा अमीरे मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता तुमने उस पर भी गौर किया है नहीं नाजी ने कहा मैंने अपनी चाल का यह पहलू तो सोचा ही नहीं था क्या यह नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र जकोई के साथ बाकायदा शादी कर ले अद्रूश ने कहा इस सूरत में यह खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी वो है तो होशियार नाजी ने कहा मगर रखासा का क्या भरोसा वो रखासा की बेटी है और तजुर्बेकार पेशावर है धोखा दे सकती है वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि जकोई उसके कैमे में दाखिल हुई उसने हंसकर कहा अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ उतना सोना आपने मेरा यही इनाम मुकर किया था ना पहले बताओ हुआ क्या नाजी ने बेताबी से पूछा जो आप चाहते थे जकोई ने जवाब दिया आपको ये बताया था कि सलाउद्दीन अयूबी पत्थर है औलाद है और वो मुसलमान के अल्लाह का साया है उसने जमीन पर पाओ का ठिड मारकर कहा वो इस रेस से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं तुम्हारे हुस्न के जादू और जुबान के दिलस्न ने उसे रेत बनाया है अदरूश ने कहा वरना यह कम्बख चटान था हाँ चटान था जकोई ने कहा अब रेतीला टीला भी नहीं <laughs> मेरे मुत्ले कोई बात हुई थी नाजी ने पूछा हाँ जकोई ने जवाब दिया पूछता था नाजी कैसा आदमी है मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपको एतमाद करना चाहिए तो वह सिर्फ नाजी है उसने पूछा कि तुम किस तरह उसे जानती हो मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाउद्दीन अयूबी का गुलाम हूँ मुझे समंदर में कूदने का हुक्म दें तो मैं कूद जाऊँगा फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बास्मत लड़की हो मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूं आपका हर हुक्म सराखों पर कहने लगा कुछ देर मेरे पास बैठो मैं उसके पास बैठ गई फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया उससे रुख्सत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी कहने लगा मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है मैंने कहा यह गुनाह नहीं आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया जबरदस्ती नहीं की मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया मैं खुद आई थी फिर भी आऊंगी लड़के ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उरिया था नाजी ने जोश मसरत से उसे अपने बाजुओं में ले लिया अदरूश जकोई को खराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके कैमे से निकल गया सहरा की इस पुरासरार रात की कोक से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारिक सीने में एक रास छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी जिसके क़्याम और इस्तेकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन यूबी ने देखा और उसकी ताबीर का आजम लेकर जवान हुआ था गुज़िश्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे एक पहलू से सिर्फ़ नाजी और अदरूश वाकिफ थे दूसरे पहलू से सलाउद्दीन अयूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था और सलाउद्दीन अय्यूबी, उसका सराग रसा और जासूस अली बिन सुफियान और जकोई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़े के दोनों पहलुओं से वाकिफ़ थे सलाउद्दीन अयूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने नहायत शान शौकत और अकीदतमंदी से रुख़त किया सोडानी फौज दो रवैया खड़ी सलाउद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रही थी सलाउद्दीन अयूबी ने नारों के जवाब में बाज़ू लहराने मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाना की नाजी से हाथ मिलाया अपने घोड़े को एड़ लगा दी उसके पीछे उसके मुहाफिज़ों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े अपने मरकजी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया वो सारा दिन कमरे में बंद रहे सूरज गरूब हुआ रात तारीख हो गई कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार पानी भी नहीं गया रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों को रवाना हुए अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उसे रोक लिया और कहा मोहतरम हमारा फर्ज है कि हम हुक्म माने और ज़बान बंद रखें लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बे पैदा हो गई है खुद मैं भी इसका शिकार हो रहा हूँ कैसी मायूसी मुहाफिज़ कहते हैं कि एक फ़ौज को शराब पीने की इजाज़त है तो हमें उससे क्यों मना किया गया है कमांडर ने कहा अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सजा दें लेकिन मेरी शिकायत सुन लें हम अपने अमीर को ख़ुदा का बरगुजीदा इंसान समझते थे और उस पर दिलो जान से फिदा थे मगर रात उसके खेमे में एक रखासा गई थी अली बिन सुफियान ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की गुनाह अमीर करे या गरीब सज़ा में कोई फर्क नहीं गुनाह बहरहाल गुना है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रकासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था यह क्या था अभी नहीं बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुम सबको मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन साले तुम पुरानी अस्करी हो अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फ़र्ज है रखासा और अमीर मिस्र के ख़ैमे में जाना भी एक राज है अपने जाबाज़ों को किसी शक में न पढ़ने दो और किसी से ज़िक्र तक न हो कि रात क्या हुआ था अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से कमांडर आगाह था मुतमइन हो गया और उसने अपने दस्ते के शकूक रफा कर दिए अगले रोज सलाउद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहा था कि उससे तिला दी गई कि नाजी मिलने आया है सलाउद्दीन अयूबी खाने से फारे होकर नाजी से मिला नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है उसने हिकलाने के लहजे में कहा काबिल सद एहतराम अमिर क्या यह हुक्म आपने जारी किया है कि सोडानी मुहाफिज फौज की पचास हजार नफरी मिस्र की इस फौज में मतगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है हाँ ना जी सलाउद्दीन अयूबी ने तहमुल से जवाब दिया मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोचो विचार के बाद यह फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मतगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सोडानियों की नफरी सिर्फ दस फीसद हो और तुम्हें यह हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब उस फौज के सालार नहीं होगे तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे आली मकाम नाजी ने कहा मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है अगर तुम्हें यह फ़ैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ सलाउद्दीन उद्दीन ने कहा मालूम होता है मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई है नाजी ने कहा आपके बुलंद दिमाग और गहरी नज़र को छानबीन कर लेनी चाहिए मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन हैं मेरे दोस्त सलाउद्दीन अयूबी ने कहा मैंने यह फ़ैसला सिर्फ़ इसलिए किया है कि मेरी इंतज़ामिया और फौज से साजिशों का ख़तरा हमेशा के लिए निकल जाए और मैंने ये फैसला इसलिए किया है फौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और कोई कितना ही अदना क्यों ना हो वो शराब ना पिए हुल्लड़बाजी ना करे और फौजी जश्नों में नाच गाने ना हो लेकिन अलीजा नाजी ने कहा मैंने हुजूर से इजाजत ले ली थी और मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज को इसकी असल हालत में देख सकूं जिसे तुम मिलत इस्लामिया की फ़ौज कहते हो मैं पचास हजार नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता मिस्री फ़ौज में से उसे मतगम करके इसके किरदार को सुधार दूंगा और यह भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री सोडानी शामी और अजमी नहीं है हम मुसलमान हैं हमारा झंडा एक और मजहब एक है अमीर आली मतबत ने यह तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो सलाउद्दीन अयूबी ने कहा अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो फ़ौरन वापस हो जाओ अपनी फौज की नफरी सामान जानवरों सामान फुर्दनोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो सात दिन के अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से निकल गया ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि जकोई को अमीर मिस्र ने रात भर का शर्फ बारिया भी बख्शा है जकोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी उसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था लेकिन नाजी पहले रोज से ही उसे अपने साथ रखने लगा था उसे जरा सी देर के लिए भी अपने उस हरम में जाने न देता था जहाँ उसकी दिल पसंद नाचने वाली जवान लड़कियाँ रहती थीं। जकोई को उसने अलग कमरा दिया था उन्हें यह तो मालूम न था कि नाजी इसे सलाउद्दीन अयूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वह किसी बहुत बड़े तकरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है यह रक्साई ये देख कर जल भुन गई थी कि जकोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफ़रत पैदा कर दी है हरम की दो लड़कियां जकोई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थीं। अब उन्होंने देखा कि जकोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने कैमे में रखा है तो वो पागल सी हो गई उसे ठिकाने लगाने का वाद तरीक़ा क़त्ल था क़त्ल के दो ही तरीक़े हो सकते थे जहर या किराए का कतिल जो उसे सोते में कत्ल कराए दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि जकोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी इन दोनों ने हर्म की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजिमा को में ले रखा था उसे इनाम इकराम देती रहती थी जब हसद की इंतहा उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजिमा को मुँह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान कर दिया ये मुलाजिमा बड़ी मंझी हुई औरत थी उसने कहा कि सालार की रिहाइश गह में जाकर जकोई को जहर देना मुमकिन नहीं है मौक़ा महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है इसके लिए वक्त चाहिए उसने वादा किया कि वो जकोई की नकलोह हरकत पर नजर रखेगी हो सकता है कि कोई मौका जल्दी निकल आए इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका ना निकला तो हशीशीन हाँ की मदद हासिल की जाएगी मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था जकोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था आप मुझे उसके पास जाने दें जकोई ने चौथी बार कहा मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है नाजी ने गरज कर कहा वो कम वक़्त हुक्मन जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया इस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं मैं अमीर मिस्र बनने वाला था मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है हालांकि मैं मामूली सा सालार था अब मैं सालार भी नहीं रहा उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा अदरूश को बुला लाए उसका हमराज और नायब अदरूश आया तो नाजी ने उसके साथ भी इसी मौजू पर बात की उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था अदरूश के साथ वो सलाउद्दीन एयूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी उसने अध्रूष से कहा मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है क्या बगावत नाजी ने कहा अद्रूश चुपचाप उसे देखता रहा नाजी ने कहा तुम हैरान हो गए हो क्या तुम्हें शक है कि यह पचास हजार सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं क्या यह सलाउद्दीन अयूबी की नस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बहिका नहीं समझती क्या तुम अपनी फौज को यह कह कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है अद्रूश ने गहरी सांस लेकर कहा मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया था बगावत का इंतज़ाम एक इशारे पर हो सकता है लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और उस फौज को कमुक भी मिल सकती है हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए मैं गौर कर चुका हूं नाजी ने जवाब दिया मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं तुम दो प्याम्बर तैयार कर दो उन्हें बहुत दूर जाना है आओ मेरी बातें और से सुन लो जकोई तुम अपने कमरे में चली जाओ जकोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे सलाउद्दीन अयूबी ने दोनों फौजों को मदगम करने का वक्त सात रोज़ मुकर्र किया था कागज़ी कार्रवाई होती रही नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा चार रोज़ गुजर चुके थे इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाउद्दीन अयूबी से मिला लेकिन उसने कोई शिकायत न की तफसीली रिपोर्ट देकर सलाउद्दीन अयूबी को मुतमीन कर दिया कि सातवें रोज़ दोनों फ़ौजें एक हो जाएंगी सलाउद्दीन अयूबी के नाइबीन ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दीनतदारी से ताउन कर रहा है मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कन थी उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज के सिपाहियों में बे इतमानी और अबतरी सिपाही जाती है वो मिसरी फ़ौज में मतगम होने पर खुश नहीं उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मिसरी फ़ौज में मतगम होकर उनकी गुलामों की सी हो जाएगी उन्हें माल गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाज़त नहीं होगी अली बिन सूफियान ने यह रिपोर्टें सलाउद्दीन अयूबी तक पहुंचा दी अयूबी ने उसे कहा कि ये लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं उन्हें नई तब्दीली यकीन पसंद नहीं आएगी मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं सलाउद्दीन अयूबी ने पूछा नहीं अली ने जवाब दिया उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं नाजी ने उसे कैद कर रखा है उससे अगली रात का वाकया है रात अभी अभी तारीख हुई थी जकोई अपने कमरे में थी नाजी अदरूश के साथ अपने कमरे में था उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी उसने पर्दा हटाकर देखा बाहर के चरागों की रोशनी में उसे दो घोड़सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए लिबास से वह ताजिर मालूम होते थे लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि ये ताजिर नहीं इतने में अद्रोश बाहर निकला दोनों सवार उसे देख कर रुक गए और अदरूश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया अदरूश ने उनके गिरद घूम कर उनके लिबास का जायज़ा लिया फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ दोनों ने फुर्ती से चौहे खोले और हथियार दिखाए उनके पास छोटी तलवारें और एक एक खंजर था अदरूश उन्हें अंदर ले गया दरबान एक तरफ खड़ा था जकोई गहरी सोच में खो गई वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया मगर दरबान ने उसे दरवाज़े पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दूँ जकोई को वहाँ ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी दरबान के रोकने से भी वो समझ गई कि कोई ख़ास बात है उसे याद आया कि दो रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में अदरूश से कहा था मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ तुम दो पयाम्बर तैयार करो उन्हें बहुत दूर जाना है और फिर उसने जकोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थी ये सब कुछ सोचकर वो वह अपने कमरे में वापस चली गई उसके और नाजी के ख़ास कमरे के दरमियान एक दरवाज़ा था जो दूसरी तरफ से बंद था उसने उसी दरवाजे के साथ कान लगा दिए उधर की आवाज़ें धीमी थीं उसे कोई बात समझ ना आई कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज़ सुनाई दी उसने कहा आबादियों से दूर रहना अगर कोई शक वे पकड़ने की कोशिश करे तो तुम सबसे पहले ये पैगाम गायब करना जान पर खेल जाना जो भी रास्ते में हायल हो उसे खत्म कर देना तुम्हारा सफ़र चार दिनों का है तीन दिनों में पहुंचने की कोशिश करना की याद कर लो शुमाल मशरक़ दोनों आदमी बाहर निकले जकोई भी बाहर आ गई उसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे नाजी और अदरूज भी बाहर खड़े थे सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे सवार बहुत तेज़ी से रवाना हो गए नाजी ने जकोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा मैं बाहर जा रहा हूँ काम बहुत है तुम आराम करो अगर अकेले दिल न लगे तो हरम में घूम फिर आना हाँ जकोई ने कहा जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली नाजी और अदरूस चले गए जकोई ने चोगा पहना कमरबंद में खंजर रखा और हरम की तरफ चल पड़ी वो जगह चंद सौ गज़ दूर थी वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी दरबान को भी उसने यही बताया हरम में दाखिल हुई तो वहाँ की रहने वालियों ने उसे हैरान होकर देखा वो पहली दफ़ा वहाँ गई थी सब ने उसका एहतराम और प्यार से किया उन दो लड़कियों ने भी उसे खुश कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी जकोई सबसे मिली हर एक के साथ बातें और वापस चल पड़ी वो मुलाजमा भी वही थी जिसे उसके कत्ल के लिए रखा गया था उसने जकोई को बड़ी गौर से देखा जकोई बाहर निकल गई हरम वाले मकान और नाजी की रिहायश गाह का दरमियानी इलाक़ा ऊंचा नीचा था और वीरान जकोई हरम से निकली तो नाजी की रिहायश की तरफ़ जाने की बजाय बहुत तेज तेज दूसरी सिंह चल पड़ी उधर एक पगडंडी भी थी लेकिन जकोई इससे जरा दूर हटकर जा रही थी इससे पंद्रह बीस कदम पीछे एक सियाह साया चला जा रहा था वो कोई इंसान ही हो सकता था मगर सर से पांव तक एक लिबादे में लिपटा होने की वजह से सियाह भूत लगता था जकोई की रफ्तार तेज हुई तो इस भूत ने अपनी रफ्तार इससे भी तेज कर दी आगे घनी झाड़ियाँ थीं जकोई उनमें रूपोश हो गई सियाह भूत बिझाड़ियों में गायब हो गया वहाँ से कोई अढ़ाई तीन सौ गज़ आगे सलाउद्दीन अय्यूबी की रिहाइश का थी जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे जकोई का रुख उधर ही था वो घनी झाड़ियों में से निकली ही थी कि बाएं तरफ से सियाह भूत उठा चांदनी बड़ी साफ थी फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आता था इसके पांव की आहट भी नहीं थी भूत का हाथ ऊपर उठा चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर जकोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया जकोई की चीख नहीं निकली खंजर उसके कंधे से निकल गया जकोई ने इतना गहरा जख्म खाकर भी निहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला भूत ने उस पर दूसरा बार किया तो जकोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में खोप दिया उसे चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी जकोई ने अपना खंजर खींच दूसरा बार किया जो भूत के पेट में उतर गया इसके साथ ही इसके अपने पहलू में खंजर लगा लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं उतरा भूत चकरा कर गिरा जकोई ने यह नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था वो दौड़ पड़ी उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था सलाउद्दीन अय्यूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया अली अयूबी अली अयूबी उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी जहाँ तक पहुँचना उसके लिए मुमकिन नज़र नहीं आता था वह मुसलसल सलाउद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था उसे इसकी आवाज़ें सुनाई दी तो वह दौड़ कर पहुँचा जकोई उस पर गिर पड़ी और कहा मुझे अमीर मिस्र तक पहुँचा दो बहुत जल्दी बहुत जल्दी संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा सलाउद्दीन अयूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट दे रहा था उसके दो नायब भी मौजूद थे यह रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी अली बिन सुफियान ने बगावत के कदशे का इजहार किया था जिस पर गौर हो रहा था दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की के उठाए बाहर खड़ा है कहता है ये लड़की अमीरे मिस्र से मिलना चाहती है ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गया उसके पीछे सलाउद्दीन अयूबी दौड़ पड़ा इतने में लड़की को अंदर ले आए सलाउद्दीन अयूबी ने कहा तबीब और जर्राह को फ़ौर बुलाओ लड़की को सलाउद्दीन अयूबी ने अपने पलंग पर लिटा दिया जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा किसी को ना बुलाओ लड़की ने नहीं आवाज़ में कहा मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी हूँ तुम्हें ज़ख़्मी किसने किया है जकुई अली बिन सुफियान ने पूछा पहले ज़रूरी बातें सुन लो जकुई ने कहा शुमाल मशरक़ की तरफ सवार दौड़ा दो दो सवार जाते नज़र आएंगे दोनों के चोगे बादामी रंग के हैं एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सियाह है वो ताजर लगते हैं उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो तो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है नाजी की यह सोडानी फौज बगावत करेगी मुझे और कुछ भी नहीं मालूम तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है उन दो सवारों को रास्ते में पकड़ लो तफसील उनके पास है बोलते बोलते जकोई को गशी आने लगी दो तबीब आ गए उन्होंने जकोई का खून बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी उसके मुंह में दवाइयां डाली जिनके असर से वो बोलने के काबिल हो गई वो ज़रूरी पैगाम दे चुकी थी इसके बाद उसने दूसरी सारी बातें सुनाई, मसलन नाजी ने अधरो के साथ क्या बातें की थीं उसे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था नाजी का गुस्सा और भाग दौड़ दो सवारों का आना वगैरह फिर उसने बताया कि उसे कुछ इल्म नहीं कि उस पर हमला करने वाला कौन था वो मौखा मौजूद देख कर इधर ही रिपोर्ट देने के लिए आ रही थी कि पीछे से किसी ने उसे खंजर खोप दिया उसने अपना खंजर निकाल कर हमला आवर पर हमला किया हमला आवर की चीख बताती थी कि वो कोई औरत है उसने हमले की जगह बताई उसी वक्त उस जगह आदमी दौड़ा दिए गए जकोई ने कहा था कि वो ज़िंदा नहीं हो सकती उसके खंजर उसके सीने और पेट में लगे थे खून रुक नहीं रहा था ज़्यादातर खून तो पहले ही बह गया था जकोई ने सलाउद्दीन अयूबी का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे आप शिकस्त नहीं खा सकते मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाउद्दीन अयूबी का ईमान कितना पुख्ता है फिर उसने अली बिन सुफियान से कहा मैंने कोताही तो नहीं की आपने जो फ़र्ज मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है तुमने उससे ज़्यादा पूरा किया है अली बिन सुफियान ने उससे कहा मेरा तो वह गुमान में भी ना था कि नाजी इस हद तक ख़तरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी मैंने तुम्हें सिर्फ मकबरी के लिए वहाँ भेजा था काश काश मैं मुसलमान होती जकोई ने कहा उसके आंसू निकल आए उसने कहा मेरे इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को दे देना उनकी माजूरियों ने मुझे बारह साल की उम्र में रखासा बना दिया था जकोई का सर एक तरफ ठलक गया आंखें अद खुली रहीं और होंठ इस तरह नीमबा जैसे मुस्करा रही हो तबीब ने नफ्स पर हाथ रखा और सलाउद्दीन अयूबी की तरफ देखकर सर हिलाया जकोई की रूह उसके जख्मी जिस्म से आजाद हो गई थी सलाउद्दीन अयूबी ने कहा यह किसी भी मज़हब की थी इसे पूरे एजाज के साथ दफन करो उसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है यह हमें धोखा भी दे सकती थी दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाश आई है जाकर देखा वो एक अधेड़ उम्र की औरत की लाश थी जाए बखू से वो दो खंजर मिले थे इस औरत को कोई नहीं पहचानता था ये नाजी के हरम की मुलाजमा थी जिसने इनाम के लालच में जकोई पर कातलाना हमला किया था रात को ही जकोई को फ़ौजी एज़ाज़ के साथ दफन कर दिया गया और मुलाजमा की लाश गढ़ा खोद कर दफना दी गई दोनों को खुफिया तरीक़े से दफनाया गया उन्हें जब दफनाया जा रहा था सलाउद्दीन अयुबी ने नहाय आला नस्ल के आठ जवान घोड़े मंगवाए और आठ सवार मंतखब करके उन्हें अली बिन सूफीन की कमान में नाजी के उन दो आदमियों के पीछे दौड़ा दिया जो नाजी का पैगाम लेके जा रहे थे जकोई कौन थी वो मराखिश की एक रखासा थी किसी को भी मालूम नहीं कि उसका मजहब क्या था वो मुसलमान नहीं थी ईसाई भी नहीं थी जैसा कि कहा जा चुका है कि अली बिन सुफियान सलाउद्दीन अयूबी की इंटेलिजेंस यानी जासूसी और सराग रसानी का सरबराह था उसे दूसरों के राज मालूम करने के लिए कई ढंग इख्तियार करने पड़ते थे सलाउद्दीन अयूबी उसे अपने साथ मिस्र लाया था यहाँ आकर मालूम हुआ कि सोडानी फौज का सालार नाजी साजिशी और शैतान है इसके अंदरूनी खाना हालात मालूम करने के लिए अली बिन सुफियान ने जासूसी का जाल बिछा दिया था इसे रास की एक बात ये मालूम हुई कि नाजी हसन बिन सबाह के फिदाइयों की तरह मुखालफन को हसीन लड़कियों और हशीश से फांसता और अपना गर्विदा बनाता या मरवा देता है अली बिन सुफियान ने तलाश बसीार के बाद किसी की वसासत से जकोई को मुराक़ से हासिल किया और ख़ुद बुरदा फरोश का बहरूप धार कर उसे नाजी के हाथ बेच दिया इस लड़की में ऐसा जादू था कि नाजी उसे सलाउद्दीन अयूबी को फांसने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था मगर खुद ही उस लड़की के दाम में फंस गया फंसा भी ऐसा कि उसके सामने वो अपने नायब सालार के साथ रास की बातें करता रहा इसने जकोई को जश्न की रात सलाउद्दीन अय्यूबी के खैमे में भेज दिया और अपनी इस फतेह पर बेहद मसरूर था कि सलाउद्दीन अयूबी का उसने बुत तोड़ दिया है अब वो इसी लड़की के हाथों उसे शराब भी पिला सकेगा और फिर उसे अपना मुरीद बना लेगा मगर इसके फ़रिश्ते को भी नहीं मालूम हो सका कि ज़कोई सलाउद्दीन अय्यूबी ही की जासूसा थी वो उसे कैमे में रिपोर्टें देती रही और सलाउद्दीन अयबी से हिदायत लेती रही थी इसके ख़ैमे से निकलकर जकोई दूसरी तरफ चली गई थी जहाँ उसे मुंह और सर पर लपेटे एक आदमी मिला था वो आदमी अली बिन सुफियान था जिसने उसे कुछ और हिदायत दी थी इसके बाद जकोई नाजी के घर से बाहर ना निकल सकी इसलिए वो अली बिन को कोई रिपोर्ट ना दे सकी आखिर उसे मौका मिल गया और वो ऐसी ख़बर लेकर वहां से निकली जो खुदा के सिवा किसी और को मालूम न थी ये जकोई की बदनसीबी थी कि हरम में इसके खिलाफ इसलिए साजिश हो रही थी कि इसने नाजी पर कब्जा कर लिया है ये साजिश कामयाब हो गई और जकोई कत्ल हो गई लेकिन वो इतला पहुंचाने तक जिंदा रही इसके मरने के बाद कुछ अरसा बाद वो मुआवजा जो अली बिन सूफियान ने उसके साथ तय किया था सलाउद्दीन एयूबी की तरफ से इनाम और वो रकम जो अली बिन सुफियान ने नाजी से बुर्दा फरोश के भेस में जकोई कीमत के तौर पर वसूल की थी मराखिश में जकोई के माज़ूर वालदीन को अदा कर दी मौत की इस रात के सितारे टूट गए और सुबह तुल्लु हुई तो अली बिन सुफियान आठ सवारों के साथ इंतहाई तेज़ रफ्तार से शुमाल मशरक़ की तरफ जा रहा था आबादियां दूर पीछे रह गई थीं उसे मालूम था कि फ्रैंक के हेडक्वार्टर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है रात उन्होंने घोड़ों को थोड़ी सी देर के लिए आराम दे दिया था ये अरबी घोड़े थके हुए भी ताज़ा दम लगते थे दूर उफक पर खजूर के चंद एक दरख्त में अली को दो घोड़े जाते नजर आए उसने अपनी पार्टी को रास्ता बदलने और ओट में होने के लिए तेलों के साथ साथ हो जाने को कहा वो सहरा का राजदान था भटकने का अंदेशा न था उसने रफ्तार और तेज कर दी अगले दो सवारों और उसकी पार्टी में कमवेश चार मील का फासला था यह फासला तय हो गया मगर घोड़े थक गए वो जब खजूरों के दरख्तों तक पहुंचे तो दो सवार कोई दो मील दूर मिट्टी के पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे इनके घोड़े भी शायद थक गए थे दोनों सवार उतरे और नजरों से ओझल हो गए वो पहाड़ी की ओट में बैठ गए हैं अली बिन सुफियान ने कहा और रास्ता बदल दिया फासला कम होता गया और जब फासला चंद गज रह गया तो दोनों सवार ओट से सामने आए उन्होंने घोड़ों के सर पर दौड़ने का शोर सुन लिया था वो दौड़ कर गायब हो गए अली बिन सुफियान ने घोड़े को एड़ लगाई थके हुए घोड़े ने वफादारी का सबूत किया और रफ्तार तेज कर दी बाकी घोड़े भी तेज हो गए पहाड़ी के अंदर गए तो दोनों सवार वहां से जा चुके थे मगर दूर नहीं गए थे वो शायद घबरा भी गए थे आगे रेतीली चटानी थी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था कभी दाएं जाते कभी बाएं। अली बिन सुफियान ने अपने घोड़े एक सफ में फैला दिए और भागने वालों से एक सौ गज दूर जा पहुंचा एक तीरंदाज ने दौड़ते घोड़े से तीर चलाया जो एक घोड़े की अगली टांग में लगा घोड़ा बेकाबू हो गया थोड़ी सी और भाग दौड़ के बाद वो दोनों घेरे में आ गए और उन्होंने हथियार डाल दिए उन्होंने झूठ बोला अपने आप को ताजर कहा लेकिन तलाशी ली तो पैगाम मिल गया जो नाजी ने उन्हें दिया था दोनों को हिरासत में ले लिया गया घोड़ों को आराम का वक्त दिया गया और ये पार्टी वापस हुई सलाउद्दीन अयूबी बेताबी से इंतज़ार कर रहा था दिन गुजर गया रात भी गुजरती जा रही थी आधी रात गुजर गई अयूबी लेट गया और उसकी आंख लग गई शहर के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से उसकी आंख खुल गई दौड़कर दरवाज़ा खोला अली बिन सुफियान खड़ा था उसके पीछे उसके आठ सवार और दो कैदी खड़े थे अली और कैदियों को सलाउद्दीन एयूबी ने सोने के कमरे में ही बुला लिया और अली से नाजी का पैगाम लेकर पढ़ने लगा पहले तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया फिर जैसे एक खून जोश मार कर उसके चेहरे और आंखों में चढ़ गया हो नाजी का पैगाम खासा तवील था उसने सलेबियों के एक बादशाह फ्रैंक को लिखा था कि वो फला दिन और फला वक्त यूनानियों रोमियों और दीगर सलेबियों की बहरिया से बहरे रूम की तरफ से मिस्र में फौजें उतार कर हमला कर दे हमले की इतला मिलते ही पचास हजार सोडानी फौज अमीर मिस्र के खिलाफ बगावत कर देगी मिस्र की नई फौज हमले और बगावत का भयक वक्त मुकाबला करने के काबिल नहीं इसके अवज़ नाजी ने तमाम तर मिस्र या मिस्र के बड़े हिस्से की हुक्मरानी की शर्त पेश की थी सलाउद्दीन अयूबी ने पैगाम ले जाने वाले दोनों सवारों को तय खाने की क़ैद में डाल दिया और उसी वक्त अपनी नई फ़ौज का दस्ता भेज कर नाजी और उसके तीन नएबीन को इनके मकानों में नज़रबंद करके पहरा लगा दिया नाजी के हरम की तमाम की तमाम औरतें आज़ाद कर दी गई उसके ज़ाती खजाने को सरकारी खजाने में डाल दिया गया और सारी कार्रवाई खुफिया रखी गई सलाउद्दीन अयूबी ने अली बिन की मदद से नाजी के तारीख को मिटाकर अगली तारीख लिख दी दो जहीन को यह पैगाम देकर शाह फ्रैंक की तरफ रवाना कर दिया गया उन आदमियों को यह जाहिर करना था कि वो नाजी के पैम्बर हैं उन्हें रवाना करके इस सोडानी फौज को मिस्री फौज में मदगम करने का हुक्म रोक लिया आठवें रोज प्याम्बर वापस आ गए वो नाजी का पैगाम दे आए और फ्रैंक का जवाब नाजी के नाम ले आए थे फ्रैंक ने लिखा था कि हमले की तारीख से दो दिन पहले सोडानी फौज बगावत कर दे ताकि सलाउद्दीन अय्यूबी को सलेबियों का हमला रोकने की होश ही न रहे अली बिन ने सलाउद्दीन अय्यूबी की इजाज़त से इन दो प्याम्बरों को नज़रबंद कर दिया ये बाइज्जत नज़रबंदी थी जिसमें इन दोनों के आराम और बेहतरीन ख़ुराक वगैरह का खसूस इंतज़ाम किया गया था ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये रास फाश न हो जाए सलाउद्दीन अयूबी ने बहरे रूम के साहिल पर उन मकाम पर अपनी फ़ौज को छुपा दिया जहाँ सलेबियों की बहरिया को लंगरंदाज होना और फौजें उतारनी थी उसने इन मकाम से दूर अपनी बहरिया भी छुपा दी हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे एक सिराजुद्दीन ने लिखा है कि सूडानी फौज ने सलेबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी जो सलाउद्दीन अयूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और हुसन सलूक से दबा ली बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बाग़ियों को अपना सालार नाजी कहीं नज़र न आया था और इसका कोई नायब भी सामने ना आया वो सब क़ैद में थे मगर एक और मर्रख हिपताची लिखता है कि सोडानी फौज ने हमले के बहुत बाद बगावत की थी ताहम ये दोनों मर्रख बाकी वाकयात पर मुतफ़ नजर आते हैं दोनों ने लिखा है कि सलाउद्दीन अयूबी ने नाजी और उसके नायबीन को क़ैद में सजाए मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया था उन दोनों मर्रखों ने और तीसरे मर्रख लेन पोल ने सलेबियों की बहरीे के आदाद शुमार एक ही जैसे लिखे हैं वो लिखते हैं कि खत में दी हुई तारीख के अ मुताब सलेबियों की बहरिया जिसमें फ्रेंक की यूनान की रोमियों की और सिसली की बहरिया शामिल थी मुत कमान में बहरे रोम में नमदार हुई मौरखों के आदाद व शुमार के मुताबिक जंगी जहाज़ों की तादाद 150 थी इसके अलावा बारह जंगी जहाज बहुत बड़े थे इनमें मिस्र में उतारने के लिए फौज थी इस फौज के सलेबी कमांडर एमल रिक था जिन बादबानी कश्तियों में रसद थी उनकी तादाद का सही अंदाज़ा नहीं किया जा सका जहाज दो कतारों में आ रहे थे सलाउद्दीन अयूबी ने दिफा की कमान अपने पास रखी उसने सलेबियों की बहरिया को साहिल के करीब आने दिया सबसे पहले बड़े जहाज अंदाज हुए अचानक उन पर आग बरसने लगी ये मंजनीखों से फेंकी हुई मछलें थी और आग के गोले और ऐसी तीर भी थे जिनके पिछले हिस्से जलती हुई शोलों की मानिंद थे मुसलमानों की बरसाई हुई इस आग ने जहाज़ों और कश्तियों के बाद बानों को आग लगा दी जहाज लकड़ी के बने हुए थे फौरन जल उठे उधर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज आ गए उन्होंने भी आग ही बरसाई यो मालूम होता था जैसे बहरे रोम चल रहा हो सलेबियों के जहाज रुख मोड़कर कर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे को जलाने लगे उनमें से सलेबी फ़ौज समंदर में कूद गई उनमें से जो सिपाही साहिल की तरफ आए वो सलाउद्दीन अयूबी के तीरंदाजों का निशाना बने उधर नूरुद्दीन जंगी ने शाह फ्रैंक की सल्तनत पर हमला कर दिया फ्रैंक ने अपनी फौज को मिस्र में दाखिल करने के लिए खुशकी के जरिए रवाना कर दिया था फ्रैंक सलेबियों की बहरिया के साथ था उसे अपने मुल्क पर हमले की इतना मिली तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने मुल्क में पहुंचा। मगर वहाँ की दुनिया ही बदल गई थी बहरे रूम में सलेबियों का मतहदा बेड़ा नजर आतिश हो गया और फौज जल कर और डूब कर ख़त्म हो गई सलेबियों का एक कमांडर एमलत बच गया उसने हथियार डालकर सुलह की दरखास्त की जो बहुत बड़ी रकम के एवज़ मंजूर कर ली गई यूनानियों और सिसली वालों के कुछ जहाज़ बच गए थे सलाउद्दीन अयूबी ने इन्हें अपने जहाज वापस ले जाने की इजाज़त दे दी मगर रास्ते में ऐसा तूफ़ान आया कि तमाम तर बचे कुचे जहाज़ गर्क हो गए 19 दिसंबर ग्यारह के रोज़ सलेबियों ने अपनी शिकस्त पर दस्तखत किए और सलाउद्दीन एूबी को तावान अदा किया बेशतर मर्रक़ीन और माहरीन हरबर्ब ने सलाउद्दीन अयूबी की इस फतेह का सहरा उसकी इंटेलिजेंस के सरबाना है रकासा ज़कोई का जिक्र उस दौर के एक मराखशी वाक नगार असदुल असदी ने किया है और अली बिन सुफियान का तारब भी उसी वाक नगार की तहरीर से हुआ है ये तो इब्तदा थी सलाद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा ख़तरों में घिर गई